ये लंबा करते हैं, बच्चे होते हैं मुझे पता नहीं चलता, मैं ढूंढती हूँ कौन सा बच्चा है। कर दिया है, कर दिया है। इनका भी कुछ और तो नहीं खोलना ना, कुछ ही स्लाइड ही खोलनी है ना। आवाज नहीं आ रही, क्या बोला टीचर ने? बुक एट वर्क, यहाँ से मोबाइल गिर जाना उधर, मोबाइल गिरा कर फिर तुम्हें उधर से भी गिर ही जाना। काम करो मेरे से बात ना करो। Students, I can start. Yes, assalamu alaikum students. Hello. इसमें पिक्चर तो नहीं जा रही? अगर टीचर है ना अपनी तो सीट पे। आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट्स? यस। ओके, स्टूडेंट्स आर यू डूइंग योर ऑल वर्क ऑन नोटबुक्स? यस। ओके, इंशाल्लाह व्हेन स्कूल विल ओपन आई विल चेक योर नोटबुक्स थॉरली फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर। Very bad. बाद में अपने खाना पहले क्लास में लो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स आर कमिंग सो लेट इन द क्लास। अभी तो सिर्फ दो बच्चे आए हैं। Yes, three students are there. Which was Friday. Your last class? Friday. Oh no, your previous class from this science period. Oh, ma'am, it was about the internal structure of eyes and different organ systems such as breathing system, digestive yes. system. Okay. Students are taking system. Too much time. Daniel entered in this class. Students, are you doing your all the homework on your notebooks? Yes, ma'am. But I did not receive too much homework. Only 2-3 students sent me work. Miss, virtual background aapne band kiya? Yes. Miss, virtual background turn off hua hua. Sorry. Who is doing this? Farhan, beta, check karein. Who is Farhan? You are doing this. मैं आप ही से कह रही हूँ और आप ही draw कर रहे हो. Farhan, आप naughty boy भी हैं इसका मतलब. Miss, yes. पता चल गया मुझे. मैं आप ही को कह रही हूँ check करें कौन है और आप ही थे. सलमान शाहिद. इतना तो मुझे भी पता चल गया, इतने दिन से मैं क्लास ले रही हूँ, मुझे कंप्यूटर आ गया है, मैं समझे मुझे नहीं पता चला। हम्म, यस मैम। ओके, चलें जी, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हु विल फरहान बेटा रिपीट द प्रीवियस वन, नेम द डिफरेंट पार्ट्स आई यू नो अबाउट दिस क्वेश्चन सुनाना। Yes, name different parts.
different parts ke naam breathing system digestive system excretory system circulatory system no farhan listen carefully I am asking about different parts of an eye jelly lens pupil iris retina optical nerve or the outermost two muscles one moves the eye or and one moves the eyeball yes two muscles eyeball cornea lens ko ek to move karta hai na ek muscles ligamentary muscles move the lens and the other muscles move the iris move the eyeball eyeball ko kaun sa move karta hai कौन से वाला इसकी बात कर रहे हो आप नहीं मैं तो वैसे तो कल गा रहा था ओके जी स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू कैन ऑल ऑफ यू हियर मी स्टूडेंट्स यस 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 मैम फरहान अहमद डॉट मार है मैम फरहान अहमद खेल रहे सेवन सेवन स्टूडेंट्स आर देयर टुडे जस्ट वेट आई हैव टू मार्क द प्रेजेंट ऑफ फैजान अहमद अली सुल्तान नहीं आया अब्दुल्ला अहमद रुहेल इज प्रेजेंट अब्दुल्ला अहमद रुहेल दानियाल सलमान शाहिद फरहान फैजान स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुडे योर क्वेश्चन इज आज आप ना पढ़ाएं आज ना पढ़ाऊं मैं जब व्हेन यू गो टू स्कूल आई हैव टू रिपीट ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम आपको पता है ना एंड मैं कॉपी ऐसा करें अभी नहीं कराएंगे कल की क्लास मैं एडिटिंग कर लूं जी नाउ बेटा आपने आई का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी किया ही हुआ है टुडे वी विल डू इट्स जस्ट वर्किंग कि हाउ इट वर्क्स हाउ योर आई वर्क्स तो ये इजी सा ही है बहुत लंबा इसका वो नहीं है मैम रीडिंग करनी है या आप एक्सप्लेन करेंगी जी आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट हाउ योर आई वर्क्स आपकी आई काम कैसे करती है ठीक है इन द फर्स्ट रीडिंग कोई बच्चा मैम रीडिंग कोई बच्चा कर सकता है Yes, कर सकते हैं जैसे हम डेली करते हैं मैं बच्चों से ही करवाती हूँ डेली बेटा मैम okay. तो मुझसे करवा लेना Who is asking this? Who is asking? दानियाल Okay, जी students, just listen carefully. All of you can see the screen. Yes. Yes. Just. No one is in waiting room, students. Okay. Assalam alaikum. Okay, जी. Waalaikum assalam, Ahmad Ali. Waalaikum assalam. Okay, students. Look at the screen. Students, look at the screen. I will ask questions from you. What are you saying on the screen? क्या नजर आ रहा है आपको, students? How do eyes work? मैं एक parrot नजर आ रहा है और eyes. Yes, students try to speak English. Don't speak Urdu. There is a parrot. There is a parrot. You can see a parrot, and there is yes. In front of the parrot, there is a structure of an eye. Okay, parrot is an object. This is an object which your eye will see. How this works? All this procedure. How this works? Light from the parrot. Light from the parrot will enter into the eye. अब आई में एंटर होने के लिए कहाँ से एंटर होगा? Firstly, it will enter through the cornea, pupil, and lens. Yes. Pupil. It will firstly touch the cornea. Then it will enter from the small hole, pupil, and then it will enter into the lens. Students, better be attentive. Be attentive and be serious as well. First of all, light will enter through the cornea, then enter through the small hole known as pupil, then it will pass through the lens.
ठीक है, जब लेंस में से पास करेगी लाइट, इट विल चेंज इट्स पाथ, यू कैन सी। ठीक है, लेंस जो है ना इस लाइट को क्या करेगा, फोकस करेगा ऑन द रेटिना। रेटिना इज द स्क्रीन ऑन विच इमेज कैन बी सीन। रेटिना क्या है, इट्स अ स्क्रीन ऑन विच इमेज कैन बी सीन। दिस लेंस विल फोकस ऑल द लाइट, this lens will focus all the light on the screen, that is known as retina. Retina. Yes. And you can see the on this retina, this parrot is looking inverted. Upside down. Yes, upside down, inverted. Upside down. Inverted भी बोल सकते हो आप, inverted means उल्टा नजर आ रहे हैं, ठीक है? This image will be formed inverted or upside down. Now the message will be sent through the optic nerves towards the brain. Brain will check and understand the message and again order the eye muscles to see this object as it is located in the reality. जो ब्रेन के मसल्स होंगे वो मैसेज वापस लेकर आएंगे और ऑर्डर करेंगे आई को कि इसी इमेज को सीधा करके दिखा दें, ठीक है? वो इस मुझे इतना लंबा चौड़ा काम एक सेकंड में कर लेता है कि कभी उल्टी चीज मुझे तो नजर आई नहीं। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ब्रेन डू दिस ऑल वर्क। मैसेजेस जो है आपको पता ना इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म, जैसे बिजली नहीं भागती, बिजली आपको पता कितनी तेज है, बटन ऑन करते हो एकदम लगती है, बिजली से भी तेज। जी बिल्कुल, मोर देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द मैसेजेस आर ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द ब्रेन एंड ब्रेन विल चेक द मैसेज, इंटरप्रेट इट, उसको चेक करता है, फिर एकदम से देख लेता है, डिसाइड करता है व्हाट आई हैव टू डू and the order is passed through these nerves again. Farhan Ahmed is making lens and he is Farhan beta, don't do this Farhan. So this is all about the procedure, how we can see an image through our eyes. Aur jitne bhi images aapke screen pe bante hain they are Ma'am Abdullah Ahmed made a line, they are inverted bante hain, ulte bante hain, लेकिन वो मैसेजेस आपका ब्रेन जो है आपको सीधे करके दिखा रहा होता है, ठीक है? दिस इज योर ब्रेन हु हेल्प्स टू सी ऑल द मैसेजेस इन द अपराइट फॉर्म। अपराइट फॉर्म मींस बिल्कुल सीधे करके तमाम मैसेजेस ब्रेन आपको दिखा रहा होता है। नाउ अब्दुल्ला अहमद रुहेल बेटा, यू रीड दिस पैराग्राफ, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मैम आई सेड आई विल मैम पूरा मैम लाइट मैम ये अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। Just wait students, यहाँ पर numbering भी की गई है, you can see the procedures in the numbers. Numbers की form में आपको पूरा procedure दिखा। वैसे अपने words में लिख सकते हैं। Yes, you can, yes, or you can write in your own words. लेकिन यहाँ पर जी बेटा। Excuse me ma'am, can I read? मैंने पहले कहा था कि मैं read। Daniel, half paragraph will read by Abdullah Ahmed Rahel and half okay. ऐसा क्यों होगा, पहले one step, two step, three step, four step। जी जी बिल्कुल, ये तो डायग्राम पे आपके सारा स्टेप्स वाइज होगा ना, वन टू, सबसे पहला स्टेप क्या है, देन द सेकंड वन। नो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज अ प्रोसीजर। ये आपको जब डायग्राम ड्रॉ करोगे साथ मशीन की डायग्राम बनानी है। जी बिल्कुल, आप वैसे पहले एक ड्रॉ कर चुके हो, देन देयर इज नो नीड, आप जस्ट इसके स्टेप्स लिख लीजिएगा ना, वन टू थ्री फोर। ओके जी, अब्दुल्ला अहमद रुहेल रीड दिस पैराग्राफ। Light from an object enters the eye through a hole called the pupil. The light is focused by the cornea and lens to produce a sharp image of retina. The image is small and upside down. The lens is made of jelly-like substances. Just stop. The shape of the lens stop, can Ruhail. By... Stop, Ruhail, beta. Abdullah Ahmed, stop here. वेरी इजी, जो अभी मैंने आपको बताया सेम वही चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है कि लाइट एंटर होती है प्यूपल से और फिर उसके बाद कॉर्निया और लेंस जो है वो उसको इमेज को फोकस करते हैं और एक शार्प इमेज बन जाता है रेटिना पे। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड।
और जो इमेज बनता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपसाइड डाउन, इन्वर्टेड, उल्टा होता है वो. ठीक है रुहेल, अब्दुल्ला अहमद रुहेल, रीड द नेक्स्ट लाइन. सारी आप. The lens is made of jelly-like substance. The shape of the lens can be changed by a ring of muscles running around its edge. This enables us to focus on objects at different distance. Yes, very important point. Very important point, students. Lens, आपका जो है, this is not of same shape. इसकी shape change होती रहती है according to the object. अगर object दूर है तो इसकी shape जो है वो थोड़ी सी thin हो जाएगी. अगर object आपके करीब पड़ा हुआ है कहीं पास में तो फिर ऑब्जेक्ट की शेप थोड़ी थिक हो जाएगी, मोटा हो जाएगा, छोटा और मोटा हो जाएगा. तो शेप चेंज करने से ये क्या करता है, लाइट को फोकस करता है एग्जैक्टली ऑन द रेटिना. ठीक है, अब जिन बच्चों को ग्लासेस लगी हुई हैं उसका मतलब है कि उनका जो लेंस है वो प्रॉपरली लाइट को फोकस नहीं कर पाता रेटिना के ऊपर. या तो इमेज रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के पीछे चला जाता है. इसी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लासेस. ग्लासेस में भी लेंस होता है ना, तो वो लेंस आपकी आई के, आपकी आई के लेंस को हेल्प करता है. और जो एक्स्ट्रा लेंस आप लगाते हो ना ग्लासेस में, वो लेंस हेल्प करता है आपकी आई की लेंस को, ताकि जो इमेज है वो टोटल कहाँ बने, बिल्कुल एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर, तभी आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट को क्लियरली. अदरवाइज अगर रेटिना पे इमेज ना बने बाय सम फॉल्ट ऑफ द लेंस, तो फिर आपको इमेज ब्लर नजर आता है. ब्लर मीन्स मध्यम मध्यम सा, धुंधला नजर आता है. यू कैन नॉट सी द शार्प इमेज. इसका भी उल्टा इमेज नजर आता? नो नो नो, इट कांट बी हैपन. अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी हो कि उसको चीजें उल्टी नजर आए. जैसे ही इमेज बनता है बीमारी एग्जिस्ट करती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, अभी तक मैंने सुना नहीं है कि उल्टी चीजें नजर आ रही है, ऐसा नहीं है. इमेज बनता है लेकिन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इमेज जो है वो सीधा कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन. जो ब्लाइंड होता है उसका बहुत सी प्रॉब्लम होती है आईज में बेटा, कोई एक बीमारी नहीं होती. देर आर लॉट ऑफ डिजीजेस. या तो उसका लेंस खराब होगा, ठीक है, या उसकी बैक साइड पे जो ये जो रेटिना है यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, या उसके नर्व सेल्स का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से प्रॉपर एक सीक्वेंस बिल्डअप नहीं हो पाता. देखो ना, एक सीक्वेंस है पूरा, लाइट ने कहाँ आना है, कहाँ से एंटर होना है, किधर से अंदर जाना है, रेटिना क्या करेगा, हर एक का अपना काम है, हर पार्ट का. कोई भी पार्ट अगर प्रॉपर वर्किंग नहीं करता तो आई साइट आपकी. चले जी, Daniel, read the last line. Sorry, up. The amount of light entering the eye is controlled by the iris. The muscles of the iris change the size of the pupil to allow more or less light to pass through. On the retina are millions of light-sensitive nerve cells. The brain interprets signals from the retina and produces the picture that you see. Yes, brain जो है वो image को interpret करता है, उसको सीधा करके दिखाता है और आपको बताता है कि ये देख रहे हो आप. आपके सामने tree है या आपके सामने parrot है या आपके सामने आपका कोई friend है. ब्रेन आपको आइडेंटिफाई भी कर देता है उसको और इंटरप्रेट करता है. इंटरप्रेट मीन्स उसको रीड कर लेता है कि व्हाट यू आर लुकिंग. एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट, कि आपकी आंखों में जो लाइट की क्वांटिटी है वो कम या ज्यादा कैसे होती है ड्यू टू द चेंज ऑफ द साइज ऑफ आयरिस. आयरिस चेंज होता है, आयरिस जो है ना वो प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करने में हेल्पफुल होते हैं. आयरिस के मसल्स अगर जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो प्यूपल बड़ा हो जाएगा साइज इसका. आयरिस के मसल्स जितने ज्यादा रिलैक्स होंगे तो प्यूपल का साइज छोटा हो जाएगा. सो आयरिस इज हेल्पिंग द प्यूपल टू मेक इट साइज बिगर और स्मॉलर. क्लियर? चले जी, दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड. मिस अपनी स्क्रीन पे जरा कर्सर वहां लेके जाए जहाँ पे वो जो चीज होती है जो प्यूपिल को कंट्रोल करती है. क्या कहते हैं सर? ये दीज आर द आयरिस. दिस इज आयरिस ना, दिस इज आयरिस. यस. ये मस्कुलर फॉर्म में होता है.
दिस इज आयरिस। ये प्यूपिल के डायरेक्टली नीचे ही होता है प्यूपिल जी, जेली लेंस के आगे। दिस इज प्यूपिल, ये जो होल है ना सेंटर में, दिस इज प्यूपिल। यस। और आयरिस जब वो आयरिस ऊपर ऊपर नीचे होता है तो मतलब वो जी आयरिस, व्हेन आयरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इजी हो जाते हैं उसके मसल्स, तो ये बड़ा हो जाता है होल। अगर ये खींचेगा पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से पीछे की तरफ जाएगा, इसके ये जो प्यूपल है बड़ा हो जाएगा। अगर ये रिलैक्स हो जाएगा, छोटा हो जाएगा अंदर की तरफ, तो ये साइज उतना ही प्यूपल का छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके खींचने से और सिकुड़ने से प्यूपल का साइज कंट्रोल होता है। ओके सर, आप स्कूल में? नो नो, आई मीन एट होम। दानियाल लाइंस ड्रा कर रहा है। दानियाल, दानियाल तुम हमारी शिकायतें लगाते रहते हो। दानियाल बेटा डोंट डू दिस। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे एक सेकंड पिछली पे लेके जाए, मैं स्क्रीनशॉट लेनी है। मैम मार्क ले ली जी। दानियाल मैं पूरा पैराग्राफ लिखना है। यस, फुल पैराग्राफ। यू विल राइट फुल पैराग्राफ एंड यू विल आल्सो राइट दिस पॉइंट्स एज वेल। ओके मूव ऑन। मिस मैं तो अपने वर्ड में लिखूंगा। यस यू कैन, यू कैन राइट इन योर ओन। मिस मैं भी। ओके ओके जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हमजा अली कासिम, हमजा आर यू देयर इन द क्लास? हमजा अली कासिम, सॉरी मोहम्मद हमजा कासिम। यस मिस, यस मिस। बेटा आपको समझ आ रहा है? आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करो, यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस। क्या समझ आया पहले क्वेश्चन में, क्या समझ आया था आपको? कुछ क्लियर हुए पॉइंट्स या नहीं? आ जाएगी कमी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरिस? आयरिस क्या काम करता है आईज में? मैम दानियाल जस्ट वेट, लेट हिम आंसर। ये समझाओ एनीवन एल्स। जी दानियाल अब आप बताओ ताकि वो सुन ले दोबारा से। मैम वो प्यूपिल को छोटा बड़ा करता है और उसको अपनी की जगह में रखता है। वेरी गुड। आयरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल, और प्यूपल का साइज कंट्रोल होने से क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल होती है आंखों में जाने की। ठीक है ओके। अजान अली आप तो बड़ी लेट आए हो क्लास में, आपने मार्क कर लिया? इमोजीज वाला बंदा कौन है? पता नहीं अभी किसी ने चेंज की है, आई डोंट नो क्या मसले हैं। शुक्र है आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो गई है। आप इस तरह के छोटे छोटे, मैम आई थिंक इट इज फरहान अहमद। ये तो फरहान है, ये फरहान ही है। यस मैम इट इज फरहान अहमद। यस दिस इज फरहान। नो मेरा नाम तो ठीक है। नो मैम ठीक हो गया ना, अब ठीक हो गया ना, आपने इमोजीज खुद ही लगाए और खुद ही हटा दिए। ओके जी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईयर। स्टूडेंट्स कैन यू सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? यस यस। This is your ear. देखे आपके कान कैसे होते हैं, कान आपको तो बाहर से ऐसा नजर आता है ना, जस्ट कैसा नजर आता है आपको अपना? वैसे ऐसा मैम जो वो वाला है, जो ear flap, मैम ear flap, yes, ear flap. You can see only this part outside the ear, outside your at the sides of your skull. आपकी skull की sides पे दो कान लगे हुए हैं, और कानों से आप क्या करते हो, सुनने का काम करते हो, ठीक है ना, आपको आवाजें आती हैं। बट दिस ईयर इज नॉट ओनली दिस पार्ट, इट हैज मेनी अदर पार्ट्स एज वेल। अब इसको वन बाय वन हम देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बाहर का पार्ट, बेसिकली ईयर इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, थ्री पोर्शंस। द फर्स्ट वन इज नोन एज आउटर ईयर, the second portion is known as middle ear, and the third one is known as inner ear. कौन कौन से तीन parts हैं students? ये outer ear, inner ear, outer ear, middle ear and inner ear. Middle ear, middle ear. जी outer ear तो मैंने ये draw किया, then this from here. इसे दोबारा बताइएगा, इसकी समझ नहीं आई। जी I'm repeating this, our ear is divided into three major portions. The
आउटर ईयर, आउटर ईयर में बाहर वाला सारा पार्ट नजर आएगा, ठीक है? ईयर ड्रम, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम. मिडिल ईयर कंटेन्स थ्री स्मॉल बोन्स. इनर ईयर चोकला एंड ऑडिटरी नर्व. जी मैं अब आपको समझा रही हूँ, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. आउटर ईयर जो आपको बाहर से नजर आ रहा होता है, कान और उसके आगे थोड़ी ब्राउन जितना पोर्शन है ना, दिस इज आउटर ईयर. यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज आउटर ईयर. और आउटर ईयर में आपको बाहर वाला फ्लैप नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज पिन्ना. आपके यहाँ मार्क नहीं हुआ, पिन्ना बोलते हैं इसे, आउटर ईयर फ्लैप जहाँ लिखा हुआ, दिस इज पिन्ना. उसके बाद आपको अपने कान में एक सुराख सा नजर आता है ना, यू कैन सी. मैंने डंडियां सी क्या बनी हुई है जिनके ऊपर मैंने ग्रीन सा किया बेटा, ये दिस इज ईयर, ये मसल्स है ईयर के. कहाँ पे डंडियां सी बनी, ये वाली, ये बेटा वो है. यस मैम. ये ऊपर वाला पार्ट दिखाया गया हमारा, गाल का, चीक्स का पार्ट है. मतलब पूरा वो किसी ने टेस्ट लिया होगा ना, तो चीक्स का पार्ट ऊपर और नीचे. यहाँ से नीचे चले जाओ तो फेस, फेस है ना ये, बेसिकली फेस का ऊपर और नीचे दिखाया. अच्छा जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. आउटर ईयर इज, यू कैन सी अ स्मॉल होल इन द सेंटर, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज ईयर केनाल. केनाल बोलते हैं लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, तो ईयर केनाल, ईयर केनाल अंदर जा रहा है. बेटा डोंट ड्रॉ लाइंस ऑन इट, आई एम ड्रॉइंग ऑलरेडी, डोंट ड्रॉ लाइंस. ईयर केनाल इज फर्दर मूव इनसाइड, इनसाइड, और उसका नाम क्या होगा, ईयर ड्रम. यहाँ पे जाके कान का पर्दा जिसे बोलते हो, आप बोलते हो ना कान का पर्दा. ग्रीन ग्रीन लाइन कोई और कर रहा, दिस इज नोन एज ईयर ड्रम. This is known as ear drum. Ji students, what are the names of the outer ear? Repeat them. Outer ear, ear flap and canal. Ear flap, ear canal and ear drum. Yes, ma'am. Now by name, ab main puchungi. Fizan, what are the names of the outer ear? What are the names of the outer ear, Fizan? Ma'am. Muhammad Hamza Qasim, beta, please don't do this. I will report in admin, okay? Students, listen carefully. I remove your lines if you have drawn over here. Ma'am, I have erased my all lines. Who drawn this green line color? Ma'am, it is your... Miss, ye nahi, maine nahi banaya. Ji, Faizan, I am asking about outer ear. What are the names of the outer ear? Hurry up. Name them. This ear flap, ear flap, ear canal, canal, ear drum. Yes, there are three names of outer ear: ear flap, ear canal, and ear drum. Okay, move on to the next part, that is middle ear. Middle ear is the next part. Okay, it has three small bones. Students, look at these bones. This is hammer, anvil, and stirrup. These are the three small. ये देखिए, ये वाले part. यहाँ पे मैंने मार किया, ये क्या चीज है जी? यस, मैंने मार किया, ये क्या चीज है? कहाँ पे, कहाँ आपने मार किया? दिस वन, अभी बताती हूँ आपको, अभी आगे चलते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता. पहले आप इस पार्ट को तो देख लो, इधर देखें. दीज आर द थ्री बोन्स ऑफ मिडल ईयर, हैमर, एनविल एंड स्टाइरिप. दीज आर द स्मॉल बोन्स प्रेजेंट इन योर ईयर. और आपकी बॉडी में जो सबसे छोटी बोन होती है उसका नाम होता है स्टाइरिप. आपको क्वेश्चन कर सकता है ना कि व्हाट, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी. आपकी बॉडी की जो सबसे छोटी बोन है दैट इज नोन एज स्टाइरिप. ठीक है, तीन बोन्स है, तीन बोन्स में से जो स्टाइरिप है दैट इज द स्मॉलेस्ट वन. मिस ये तो बताइए कि साउंड इसके अंदर किस तरह ट्रेवल करती है. साउंड वो अभी वर्किंग आपको बताऊंगी, तो अभी आपको बताती हूँ. जस्ट इसके नेम्स अभी लर्न करेंगे, वर्किंग अभी आपको मैं सारी क्लियर करूंगी. स्टूडेंट्स डोंट वरी. हवा के थ्रू बेटा, क्लास तो 11 मिनट्स में ओवर होने वाली है. साउंड जो है वो हवा के थ्रू ट्रेवल करती है. ठीक है, एयर ड्रम पे टच करते हैं ना हवा, एयर पार्टिकल्स टच करते हैं एयर ड्रम पे. तो एयर ड्रम से आगे ये जो हमने नाम लिया, हैमर, एनविल, स्टारप, इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड. तो यहाँ पर फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जब वाइब्रेट करना शुरू करता है, और जो फ्लूइड है वो आगे वाइब्रेशन सेंड करता है यहाँ पे हमारे इनर ईयर में. वाइब्रेशन के थ्रू साउंड ट्रेवल करेगी अंदर तक. क्लियर? स्टार्ट में एयर वाइब्रेट करेगी,
एयर वाइब्रेशन के बाद जहाँ यहाँ पर एक फ्लूइड होता है, फिल हुआ होता है हमारे कान के अंदर ना, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो फ्लूइड वाइब्रेट करने से साउंड है ना वो ट्रेवल करती है और आगे जाती है, मैसेजेस फिर सिग्नल्स के थ्रू मैसेज ब्रेन तक चला जाएगा. ओके, मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज हैमर. और ये जो आपने बताया ना वाइब्रेट होता है फिर उसमें चली जाती है, उसकी नहीं समझ आई. मैं आपको बता रही हूँ, ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन है ना वो ट्रांसफर होती है यहाँ पे, ईयर ड्रम से जो कान का पर्दा है यहाँ से वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है तीनों बोन्स में. दीज आर द स्मॉल बोन्स, हैमर, एनविल एंड स्टाइरेट. ठीक है, इन बोन्स में फ्लूइड भरा हुआ होता है. ठीक है, और दीज आर हु इज द बिगेस्ट बोन इन दीज थ्री बोन्स. क्या बोल रहे हैं, हु इज द biggest bone in these bones? Mam, in the bones mein sabse badi bone kaun si hoti hai? Hammer is the larger one. Hammer sabse badi hai, theek hai? Anvil is the middle and the stirrup is the smallest bone. Sabse choti bone stirrup hogi. Hammer kyun bola jata hai, iski shape hammer isko isliye bola jata hai, iski shape na hammer ki tarah hoti hai. Jaise wo nahi hathoda hota, उस शेप का होता है ये. इसको मजीद yes. बड़ा बड़ा करके देखें तो इसकी शेप थोड़ा हैमर बोला जाता है. ठीक है, ओके चले जी आगे चलते हैं. मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, मिडल ईयर. मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ कॉकलिया. कॉकलिया, ये देखो कॉकलिया की शेप कैसी है स्टूडेंट्स, ये किस एनिमल से मिल रही है इसकी शेप, जस्ट गेस इट. स्नेल. Yes? Snail. 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 Very good. Snail. Snail. Don't repeat it. जी. Yes. Cochlea बेटा. Snail. Snail cochlea का Latin में ना एक जुबान है Latin. Latin में cochlea का मतलब होता है snail like. Snail की तरह का. इसलिए cochlea इसका नाम पड़ा हुआ है. ठीक है. Cochlea. इस Latin मतलब कैसी language होती है? जुबान है ना बेटा, एक लातीनी जुबान है लैटिन. तो लैटिन में स्नेल को बोला जाता है कोकलिया, उसी के नाम पर कोकलिया बोलते हैं. ठीक है, ये लोग स्नेल ही बुला लेते हैं, इतना मुश्किल नाम बुलाने की क्या जरूरत थी बेटा. स्नेल तो एक एनिमल का नाम है ना, वो क्यों हम लेते हैं. यस मैम, फिर पता नहीं चलेगा कि ये स्नेल की बात कर रहे हैं या फिर मैम. लेकिन फिर लैटिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोकलिया क्योंकि वो तो उससे लेकिन वो तो स्नेल को भी कॉकलिया ही बुलाते हैं ना. जी, मैं पर है, उनकी जुबान में कुछ और कहते होंगे. माइट भी उनकी जुबान में, उनकी लैंग्वेज में साइंड. आपको पता है ना हर लैंग्वेज की अपनी बुक्स होती हैं, वहां पे इसको कॉकलिया नहीं, माइट भी कुछ और बोलते होंगे. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पर देखो मेरा जी. इसके अलावा आपको यहाँ पर ये थ्री केनाल्स नजर आ रही है, थ्री सेमी सर्कुलर केनाल्स. सेमी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मींस बाय सेमी, जैसे आप बोलते हो ना हाफ सर्कल बोलते हैं ना. आप देखो बोन्स कैसी हैं, हाफ सर्कल बना हुआ है इसका भी, ये भी हाफ सर्कल है और ये भी हाफ सर्कल है, दे आर नॉट फुल सर्कल्स. तो ये जो बोन्स देखें कि शेप ऐसी है, इस वजह से बोला सेमी सर्कल केनाल्स. ऐसी ट्यूब्स है जो कि हाफ सर्कल. डायग्राम ड्रॉ करनी रहेगी जी, बिल्कुल ड्रॉ करनी होगी. मैम दे आर नॉट लाइक सर्कल. मैम दे आर नॉट लाइक सर्कल. सर्कल है बेटा, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल शो हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली द सर्कल बट हाफ सर्कल. सी तो नजर आ रहा है, जैसे सी लिखा हुआ ऐसे करके. मैम इट शुड बी सेमी ओवल. ओवल बोल रहे हैं, सेमी ओवल टाइप है. लेकिन आपकी जो जितनी भी बुक्स है ना साइंस की, उसमें सेमी ओवल नहीं लिखा होगा, इट्स अ सेमी सर्कुलर, जैसे सर्कल की शेप में है ये. ठीक है, इट्स अ हाफ सर्कल. तो दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ ईयर. अब ईयर के आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, बताएं मुझे आंसर कहाँ से हो सकता है. द ईयर मिस ईयर फ्लैप, केनाल, ईयर ड्रम, ओवल विंडो और स्टेशियन ट्यूब, हैमर, एनविल, स्टिरअप, सेमी सर्कुलर केनाल्स, नर्व टू द ब्रेन, कॉकलिया. जी, फ्रॉम बुक आप यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो. दीज आर द नेम्स ऑफ द ईयर. मैम
before starting the question, you will write this first line as well. Excuse me, ma'am. Miss, कौन सी line लिखनी है? First line. Here are the sense organs of hearing. बस. No, miss. कौन सा लिख लें? No, miss. Excuse me, ma'am. जी. Cochlea. Where does the esophagus? मुझे तो वो cochlea की नहीं बुला लेते. मुझे आप कितना शोर आ रहा है students, please आप घर में अगर कहीं कंबाइन बैठे हुए तो अपना माइक को म्यूट कीजिए. जी सलमान शाह. एक्सक्यूज मी मैम. सलमान शाह आर यू देयर? मैम. सलमान शाह आर यू देयर? मैम. एक्सक्यूज मी मैम. एक्सक्यूज मी मैम. जी बेटा. यस. एक्सक्यूज मी मैम. ये बताइए क्यों हो रही है आज क्लास में? क्यूब कहाँ जाती है मुझे बताएं आप. क्लास में भी इस तरह ही करता है. बहुत बदतमीजी हो रही है नहीं है बेटा. यू सेकंड यू स्टेशन यू सेकंड यू स्टेशन ट्यूब कहाँ जाती है? बिल्कुल बता रही हूँ आपको. यू सेकंड ट्यूब जा रही है आपकी नोज की तरफ. आपको पता है ना स्टूडेंट्स, आपके आपका नाक और आपके कान, आपका नाक और आपके कान आपस में इंटरकनेक्टेड है, पता है ना स्टूडेंट्स आपको? आप फील करते हो ना जब आपको जुकाम होता है तो आपको फीलिंग आती है कि कान भी बंद हो रहे हैं, ऐसे होता है कभी? गला आपका गला yes, हाई एल्टीट्यूड में भी इस तरह लगता है. जी आपका गला, आपका नाक और आपका कान, दे आर इंटरकनेक्टेड, इनका एक दूसरे के साथ लिंक है. तो ये जो यूस्टेकियन ट्यूब है ना, ये ट्यूब आपके गले ये सॉरी नाक के साथ आप कनेक्ट करती है कान को, ठीक है, और बैलेंस क्रिएट करती है. इट क्रिएट्स अ बैलेंस. क्या और मैं ओवल विंडो क्या है? यहाँ पर ओवल विंडो आ रही है. कहाँ पे? यहाँ पे नजर आ रही है. दिस क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर. ओवल विंडो, दिस इज ओवल विंडो. दिस ओवल विंडो क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर. क्लियर? विंडो, ओवल विंडो क्रिएट्स कनेक्शन इन मिडिल एंड इनर ईयर. यस मिस, आप बस आज इतना ही पढ़ना. जी अहमद बताइए. जी आज इतना ही पढ़ना है, आप मुझे थोड़ा बताने देंगे तो मैं बताऊंगी ना. जी अहमद बोलिए. मिस आपने जो सी एक लाइन लिखवाई है, ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग के बाद कहां से लेके घूम तक है? बेटा फर्स्ट लाइन लेंगे, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम आंसर फ्रॉम हियर. द ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर अप टू हियर जस्ट. एंड यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल ऑफ यू. जस्ट अजान, अजान Azan Ali, are you there? Answer is yes. Azan beta, aap baki bachche bilkul participate nahi karte. Azan beta, if you have some problem, you can ask Muhammad Hamza Qasim, Fazan, Rohan Khalid. These students, beta, try to participate yourself. Inshallah, class ab regular. Am I participate? Ji, aap. Yes, I participate too. And I also participate. Participate karna chahiye during lecture. You must ask questions. Okay, inshallah, when we will be in class, to class mein main ab dekhungi, by face bhi dekhungi aap sabko. Aur tab jo hai na wo zyada achhe tarike se, inshallah, we will be communicate with one another. Yahan par just question. Same question, answer is ears are the sense organs of hearing. The ear is divided into three parts, outer ear, ear flap, ear canal and ear drum. Two middle ear contain three small bones, three inner ear, cochlea and auditory nerve. Auditory nerve, yes, यहाँ तक. Okay, auditory nerve का किसी ने नहीं पूछा. Auditory nerve कौन सी nerve होएगी? Auditory means? कौन सी? Auditory nerves. Nerves to the brain. मिस जो आवाज होती है ना. जी auditory means yes, auditory का मतलब होता है वो nerves जो कि सुनने से related है, which is related to hearing. The nerve which is related to hearing. Auditory means सुनना. तो वो nerves जो कि सुनने से related काम करेंगी वो कहलाएंगी auditory nerves. Obviously जो message जाएगा हमारे कान के through आगे तक, auditory nerves के through वो message चला जाएगा brain तक. brain बस एक मिनट लग गया. जी बस ठीक हो गया students. Okay, you write down these two questions on your notebook and also draw this diagram as well.
Allah Hafiz.